नमस्कार, मैं नसीरुद्दीन शाह। सब दर्शकों, श्रोताओं को प्रणाम, सलाम और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपको मंगलेश डबराल साहब की एक कविता सुनाने की अनुमति चाहता हूं। श्री मंगलेश डबराल। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूं, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूं अ से अनर्थ और अ से अत्याचार। कोशिश करता हूं कि क से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूं क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूं, लेकिन ख से अब किसी खतरे की आहट आती है। मैं सोचता था कि फ से फूल ही लिखा जाता होगा। बहुत सारे फूल घरों के बाहर, घरों के भीतर, मनुष्यों के भीतर, उनकी आत्मा में। लेकिन मैंने देखा तमाम फूल जा रहे हैं हत्यारों के गले में माला बनकर डाले जाने के लिए। कोई मेरा हाथ जकड़ता है और कहता है भ से लिखो भय, जो अब हर जगह मौजूद है, द दमन का और प पतन का प्रतीक है। आतताई छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला। वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं एक समाज की हिंसा। ह को हत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। हम कितना ही हल और हिरण लिखते रहें, वे ह से हत्या लिखते रहते हैं हर समय।